आज हम जा रहे हैं नाला सुपारा। वहाँ पे एक सांप फंसा हुआ है। वहाँ से कॉल आया कि अजगर है, हम जाके देखते हैं कि कौन सा सांप है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये बोलते हैं कि वहाँ अजगर है जो कि वहाँ पे रहता है रसल वाइपर। सो आज हम जा रहे हैं, जाके आगे देखते हैं कि वो रसल वाइपर है कि अजगर है। कॉल आया था कि अजगर है, नॉर्मली 3 फुट 4 फुट का रहेगा या बेबी स्नेक बेबी रहेगा। तो जाने के बाद मालूम पड़ा कि रसल वाइपर है। सो हमने पूरा इक्विपमेंट्स नहीं लिए, तो आप देखिए आगे कि कैसे हम रेस्क्यू करते हैं। ये साइड से मार रहा है, अंदर गया। अरे अरे निकल निकल। अरे वाह, अजगर है, चीती है, चीती चीती है भाई। ये वो तो ऊपर हो गया, जिधर भाई थोड़ा दूर हो गया, निकल गया चीती है। तो अजगर विजगर नहीं है वे? अजगर नहीं है वो। अरे वे अजगर है ही नहीं। अरे शांत रहो, अजगर नहीं है वो। इतना सूर सूर कर रहा है अजगर, खाली लीलता है, फूक रहा है, फूक रहा है। बड़ा साफ है ये। पकड़ पकड़ पकड़। चालू रखना, रुक। अरे मैं पकड़ कर, आप आगे जाओ, कुछ नहीं करो, मैं नहीं जाएगा। हमने हिसाब से पकड़ना भाई, हमने इसे रेस्क्यू कर लिया है। आप देख सकते हैं ये है रसल वाइपर, और ये नजदीक से दूर से नजदीक है। अब इसका पैटर्न देख सकते हो, और ये कितना मोटा है आप वो देख सकते हो। इंडिया मोस्ट वेनमस थिंग रसल वाइपर, थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे रसल वाइपर आता है। इसका आवाज़ सुन सकते हो फुफकार का। सो ये करीब 3 फुट का होगा, 3 फुट का होगा। तो ये है रसल वाइपर। अब इसका फेस देख सकते हो, इन्होंने कॉल किया था कि इनकी कंपनी में एक सांप घुसा है। देख सकते हैं रसल वाइपर है, ये रसल वाइपर है। तो इन्हें अब रिलीज कर देते हैं फॉरेस्ट एरिया में। देखिए जा रहे हैं, तो इन्हें आप मारिए ना, या आपको कहीं दिखे तो कृपया आप फायर ब्रिगेड वाले को या स्नेक कैचर वाले को आप कॉल करें और इन्हें मारे ना। ये हमारे पर्यावरण में बहुत महत्वपूर्ण है। सो थैंक यू।
महादेव, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जितना हो सके आप शेयर करें। धन्यवाद।